ಶಿರೋಮಣಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಗತಾರಣಿ ಮಾ ಜಗದಂಬೆ ಜಯ 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 ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಮಾ ಪೂರ್ಣಾಗಿರಿ ಜಗದಂಬೆ ಮಾಧರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಗತಾರಣಿ ಮಾ ಜಗದಂಬೆ ಜಯ 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 ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಮಾ ಪೂರ್ಣಾಗಿರಿ ಜಗದಂಬೆ ಮಾತಾ ಪೂರ್ಣಾಗಿರಿ ಮಂದಿರ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠೋ ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಹೈ। उत्तराखंड के चंपावत जिले की श्री पूर्णागिरी तहसील के अंतर्गत अन्नपूर्णा पर्वत पर 5500 फीट की ऊंचाई पर काली नदी के दाएं तट पर स्थित इस मंदिर में शक्ति के नाभि रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती, जिन्हें सती भी कहा जाता है, उन्होंने अपने पति महादेव के अपमान के विरोध में दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में स्वयं कूदकर प्राणों की आहुति दे दी थी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सती पार्वती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे वह शक्तिपीठ बन गए। माता पूर्णागिरी में सती की नाभि गिरी, जिस कारण यहाँ सती के नाभि रूप की पूजा की जाती है। माता पूर्णागिरी धाम में प्रतिवर्ष एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर भारत के सबसे विशाल मेलों में से एक यह मेला 3 महीने चलता है, जिस दौरान लगभग 25 लाख श्रद्धालु इस मेले में माता के दर्शन करते हैं। माता पूर्णागिरी मेला होली के ठीक एक दिन बाद शुरू होता है। मेले का उद्घाटन फूलीगाड़ नामक स्थान पर होता है। और इस मेले का आयोजन माता पूर्णागिरी मेला संचालन समिति द्वारा किया जाता है। मंदिर समिति द्वारा वर्ष भर भैरव मंदिर से मुख्य मंदिर तक प्रकाश की रोशनी की व्यवस्था की जाती है, सफाई व्यवस्था की जाती है। अपने स्वयं सेवक यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा रखे जाते हैं। चंपावत के बनबसा से माता पूर्णागिरी मंदिर तक का लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र मेला क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिसमें मेले के अलग अलग पड़ाव होते हैं। श्रद्धालु सर्वप्रथम मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हुए बनबसा से टनकपुर पहुंचते हैं। टनकपुर में श्रद्धालुओं की रात्रि विश्राम हेतु पर्याप्त होटल एवं धर्मशालाएँ हैं। रोड के अलावा श्रद्धालु ट्रेन से भी टनकपुर तक पहुंच सकते हैं। मेले के दौरान रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाता है। टनकपुर शहर में नगरपालिका टनकपुर द्वारा विशेष बाजार सजाया जाता है, जिसकी रौनक देखते ही बनती है। यात्रा का दूसरा पड़ाव बूम अथवा उचौली गोठ है। यहाँ पर प्रशासन द्वारा भारी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। शारदा नदी के किनारे अवस्थित बूम एक सुंदर स्थल है। यहाँ पर पार्किंग, विभिन्न प्रकार के प्रसाद एवं चुनरियों की दुकानों के अतिरिक्त यहाँ श्री आदिशक्ति पीठ का एक विश्वविख्यात मंदिर एवं आश्रम भी है। बूम में स्थित बूम घाट पर श्रद्धालु शारदा नदी में पवित्र स्नान करते हैं। बूम से आगे का सफर छोटे निजी वाहनों या टैक्सी द्वारा तय किया जा सकता है। यात्रा का अगला पड़ाव ठूलीगाड़ है। ठूलीगाड़ एवं शारदा नदी के तट पर स्थित इस रमणीक स्थल पर मेला मजिस्ट्रेट एवं मेला अधिकारी के कार्यालय के साथ साथ कई सारी दुकानें व भंडारे सजाए जाते हैं। मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और मुझे इस मेला क्षेत्र में मेला अधिकारी का भी दायित्व सौंपा गया है। साफ सफाई में हमने यहाँ करीब 70+ पर्यावरण मित्रों को लगाया गया है, जो साफ सफाई की व्यवस्था बूम से लेकर मुख्य मंदिर तक करीब करीब यह 20 से 25 किलोमीटर के एरिया है, वहाँ ये देख रही है। ठूलीगाड़ में श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम हेतु रैन बसेरे, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ पर पुलिस चौकी, वन विभाग चौकी के अलावा अस्थाई स्वास्थ्य शिविर की भी व्यवस्था की जाती है।
यूं तो मेला अवधि में टनकपुर से पूर्णागिरी मंदिर का संपूर्ण क्षेत्र विभिन्न प्रकार की लाइटों से जगमग हो जाता है, परंतु ठूलीगाड़ में बिजली की सजावट एवं चकाचौंध देखते ही बनती है। ठूलीगाड़ से भैरव मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है, जिसे दिन के समय में छोटे वाहनों और रात्रि के समय पैदल तय किया जा सकता है। ठूलीगाड़ से मंदिर तक पौराणिक पैदल मार्ग भी है, पैदल यात्री अक्सर इस मार्ग से यात्रा करते हैं। भैरव मंदिर यात्रा का अगला पड़ाव है, साथ ही यह सड़क मार्ग का भी अंतिम पड़ाव है। इसके पश्चात श्रद्धालु 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करके मंदिर तक पहुंचते हैं। भैरव मंदिर से काली मंदिर तक संपूर्ण रास्ता प्रसाद चुंदरी एवं अन्य सामग्री की दुकानों के अलावा सैकड़ों धर्मशालाओं से घिरा हुआ है। इन धर्मशालाओं में यात्रियों के ठहरने, नहाने इत्यादि की मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं। माता पूर्णागिरी मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। माता पूर्णागिरी मेला संचालन समिति हर वर्ष इस मेले का आयोजन करती है और ये मेला एक बहुत बड़ा मेला है जिसमें लगभग 25 लाख श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आते हैं। और हमारी समिति जो है इस मेले में स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइटिंग के अलावा स्वच्छता, साफ़ सफाई सभी व्यवस्थाएं करती है। इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए और अच्छी सुविधाएं करने के लिए हमारे द्वारा 17 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसमें हमने स्थाई जो स्ट्रीट लाइटिंग है वो लगाई है। अब जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें वर्ष भर स्ट्रीट लाइटिंग फैसिलिटी मिल पाएगी। इसके अलावा हमारे द्वारा एक धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, एक आध्यात्मिक पुस्तकालय की स्थापना करी जा रही है और भविष्य में हम यहाँ पर एक योग ध्यान केंद्र भी बनाने का हमारी प्लानिंग है। और हम ये चाहते हैं कि जो श्रद्धालु इस मेले में आएँ उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाएँ मिल पाएँ और वो बहुत सुरक्षित रूप से और माता के दर्शन कर पाएँ ताकि उनकी यात्रा सफल हो। काली मंदिर से मुख्य मंदिर का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, जो कि खड़ी चढ़ाई है जिसमें लगभग 448 सीढ़ियां हैं, परंतु मंदिर के करीब पहुंचकर इतना सुंदर नज़ारा हो जाता है कि भक्त माँ के मंदिर में श्रद्धाभाव विभोर हो जाते हैं। एक ओर उन्हें माँ की अद्भुत शक्ति एवं तेज का प्रभाव महसूस होता है तो दूसरी तरफ ऊंचाई से शारदा नदी का अद्भुत नज़ारा, सामने नेपाल की पहाड़ियाँ, चूका बूम, टनकपुर के साथ साथ नानकमत्ता जलाशय तक का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यह दृश्य देख घंटों लाइन में प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालु थकान भूल माँ की भक्ति में भाव विभोर होकर माँ के जयकारे लगाने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर क्षेत्र में काली मंदिर, झूठे का मंदिर, माता की अखंड ज्योति एवं भैरव मंदिर जैसे दार्शनिक स्थल हैं। माता पूर्णागिरी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालु भैरव मंदिर अवश्य जाते हैं। माता के दर्शन के पश्चात श्रद्धालु टनकपुर पहुंचकर शारदा घाट में स्नान करना नहीं भूलते। शारदा नदी के जल को पवित्र एवं पावन माना गया है तथा माता शारदा का स्नान पापों को हर लेता है। शारदा घाट में नगर पालिका टनकपुर एवं जल पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं। मेले के दौरान इस स्थल पर चहल पहल रहती है। माता पूर्णागिरी के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक कि श्रद्धालु सिद्ध बाबा के दर्शन न कर लें। नेपाल के ब्रह्मदेव नाम के स्थान पर अवस्थित सिद्ध बाबा मंदिर यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। शारदा घाट में स्नान कर श्रद्धालु पैदल ही सिद्ध बाबा मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल तक पहुँचने के लिए श्रद्धालु टनकपुर बैराज एवं भारत नेपाल सीमा को पार करते हुए ब्रह्मदेव पहुँचते हैं। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ माँ पूर्णागिरी के भक्त थे, जो कि नित्य देवी दर्शन के लिए माँ के दरबार आते थे। मान्यता है कि एक दिन देवी पूर्णागिरी अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उछाल दिए।
जब देवी को पता चला कि यह उनके भक्त सिद्धनाथ थे तो देवी को पछतावा हुआ और उन्होंने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन करने के बाद बाबा के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बताया जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां उनके मंदिर स्थापित हुए। पूर्णागिरी धाम के ठीक सामने नेपाल में स्थित खल्ला नामक स्थान पर बाबा का मूल मंदिर है, परंतु यह मंदिर दुर्गम होने के कारण ब्रह्मदेव एवं महेंद्र नगर में मंदिर स्थापित किए गए। बाबा के शरीर का दूसरा हिस्सा चक्रपुर के समीप गिरा, जहां पर वनखंडी महादेव मंदिर स्थापित किया गया, जो कि पूर्णागिरी यात्रा का अहम पड़ाव है। मेले के दौरान यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और पड़ाव बनबसा है। बनबसा शारदा कैनाल का उद्गम स्थल है, जहां लगभग 100 साल पुराना शारदा बैराज भी है। यहां शारदा घाट में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा स्नान एवं स्वच्छता की व्यवस्था की जाती है। यहां से श्रद्धालु नेपाल के महेंद्र नगर भी जाते हैं, जो कि एक बड़ा बाजार है। यहां भी एक बाबा सिद्धनाथ का मंदिर है। यूं तो यात्री माता के दर्शन करने आते हैं, लेकिन माता के मंदिर के अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में अनेक रमणीक एवं सुंदर स्थल हैं, जिन्हें देखे बिना यात्रियों को वापस नहीं जाना चाहिए। इसमें बूम स्थित राफ्टिंग कैंप, चूका चरण मंदिर, टनकपुर बैराज एवं जलाशय, बनबसा बैराज एवं जलाशय, शारदा कैनाल महत्वपूर्ण है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्यामलाताल प्रकृति की गोद में स्थित सुंदर व शांत स्थल है, जो कि हर व्यक्ति को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त टनकपुर में स्थित नंदौर अभ्यारण्य की सुंदरता भी देखते ही बनती है। यहाँ जंगल सफारी का भी लुप्त उठाया जा सकता है। इस जंगल में बाघ, तेंदुआ, हाथी, चीतल, जंगली मुर्गा व पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां सहज ही पाई जाती हैं।